डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लास में। और आज की जो ये ऑनलाइन क्लास है वह हमारी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में, स्थलाकृतियों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। और स्थलाकृतियों के अध्ययन के अंतर्गत ही आज की जो क्लास है वह है पवन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। पवन के निक्षेपण के द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, जिन फिजिकल फीचर्स का निर्माण किया जाता है, उनका अध्ययन आज इस क्लास के अंतर्गत हम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये हमारा टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से भी और बहुत रुचिकर भी है। यह अगर आप स्थलाकृतियों का अध्ययन जाकर के फील्ड में करें तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो दोनों ही दृष्टि से अपना महत्व रखता है। तो आइए आज हम पवन द्वारा निक्षेपात्मक क्रिया से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, इनके ऊपर अध्ययन करें। पवन के निक्षेपण से जो स्थलाकृतियां बनती हैं वह भी मूल रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही बनती हैं, लेकिन यह अपरदनात्मक दृष्टि से जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनसे ज्यादा विस्तृत हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर भी बन सकती हैं, क्योंकि पवन मरुस्थलों की रेत को मरुस्थलों से दूर तक उड़ा करके भी निक्षेपित कर देता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इनकी रचना केवल और केवल मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही होगी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के निक्षेपण के कार्य से अनेक स्थलाकृतियां बनती हैं, जिनमें जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं उनके ऊपर अभी हम इस कक्षा में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला है रिपल्स या उर्मिकाएं। उर्मिकाएं वास्तव में तरंगों जैसी आकृति होती है। ये तरंग चिन्ह ही होते हैं जो रेतीले मरुस्थलों में व्यापक रूप से हमें दिखाई देते हैं। पवन जब बहती है तो पवन अपने साथ धूल और मिट्टी के कण बहा करके ले जाती है, और इन धूल और मिट्टी के कणों को जो पवन का वेग कम होता है तो विस्तृत क्षेत्र के ऊपर इनको धीरे 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 कण बैठ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और इन कणों के बैठने से, चूंकि ये भिन्न भिन्न समय में बैठते हैं, हवा के थपेड़े इन पर लगते रहते हैं, और उसके कारण से जो इनकी आकृति है वो ठीक ऐसे हो जाती है जैसे सागरीय जो तरंगे हैं उनसे लहरदार आकृति रेत में जैसी बनती है, ठीक उसी प्रकार की पवन के द्वारा बन जाती है। इसी लहरदार रेतीली आकृति को उर्मिकाओं के नाम से या रिपल्स के नाम से जाना जाता है। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थलाकृति बनती है पवन के निक्षेप कार्य से, वह है सैंड ड्यून्स, बालुका स्तूप। बालुका स्तूप को लेकर के अनेक अध्ययन हुए हैं, भिन्न भिन्न भागों में हुए हैं, उनकी अलग अनेक जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर अध्ययन किए गए हैं। तो इनकी बहुत सारी विशेषताएं इन अध्ययनों के द्वारा निकल करके आई हैं। बालुका स्तूप से संबंधित अनेक आकृतियां होती हैं। बालुका स्तूप जो है वो कोई ऐसी एकाकी रचना नहीं है, बल्कि इसके साथ ही अवरोधक शिला के आसपास अनेक संबंधित आकार भी विकसित हो जाते हैं। तो ये एक भिन्न भिन्न आकारों वाले बालुका स्तूप हो सकते हैं। इनका जो वर्गीकरण किया गया है स्तूपों का, रेत की मात्रा, धरातलीय बनावट, अवरोधक साधन, पवन की दिशा इत्यादि तत्वों के आधार पर इनका अध्ययन किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। स्थिति के आधार पर यदि हम बालुका स्तूपों की चर्चा करें तो इनको चार वर्गों में बांटा है, मरुस्थलीय बालुका स्तूप, सागर तटीय बालुका स्तूप, नदी तटीय और झील तटीय। ठीक इसी प्रकार से आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण कई विद्वानों ने किया है।
आकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया है उसमें जैसे बैगनोल्ड नाम के विद्वान हैं तो उन्होंने इसके दो मुख्य भाग बताए हैं, बरखान और सीफ, बरखान और सीफ। और हैक मोदे ने इनको तीन भागों में बांटा है आकार के आधार पर, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और परवलयिक, पैराबोलिक, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और पैराबोलिक। और मेल्टन नाम के जो विद्वान हैं उन्होंने इसके तीन ही वर्क किए हैं लेकिन नाम अलग दिया है, सामान्य स्तूप जिनको सिंपल ड्यून्स कहा, वनस्पति के अवरोध से उत्पन्न स्तूप और जटिल स्तूप। तो ये अलग अलग इनका वर्गीकरण किया गया है। जो हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है और जो विशेष रूप से जिनकी चर्चा की जाती है उनमें अनुदैर्ध्य स्तूप, अनुप्रस्थ स्तूप और बरखान की विशेष चर्चा होती है। तो यहाँ हम इन्हीं तीनों के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। जो अनुदैर्ध्य स्तूप है, लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स हैं, ये पवन की दिशा में उसके समानांतर निर्मित होते हैं। ऐसे स्तूप हैं जो पवन की दिशा में उसके दिशा के समानांतर निर्मित होते हैं। इनका सम्मुख जो ढाल होता है वो मंद होता है जबकि विमुख ढाल होता है वो तीव्र होता है। ये ऑस्ट्रेलिया, लीबिया और सहारा मरुस्थलों में अधिक देखे गए हैं, अधिक पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति के विषय में विद्वान लोगों में मतभेद है, मतैक्य नहीं है। सामान्य मत जो है उसके अनुसार इनका निर्माण एक ही दिशा में तीव्र वेग से चलने वाली पवन के द्वारा होता है, किंतु बैगनोर ने इस मत का खंडन किया है और उन्होंने इनकी उत्पत्ति प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर पवनों के अवरोध से उत्पन्न मानी, आड़ी पवनों के अवरोध के कारण मानी है। इन्हें सीफ नाम उन्होंने दिया, सीफ भी कहते हैं। इन स्तूपों के शिखर आरी के दांते के समान नुकीले होते हैं। जो स्तूप के शिखर हैं उनकी आकृति ऐसी होती है जैसे आरी के दांते होते हैं, नुकीले हैं। मिस्र में ये 100 मीटर तक ऊंचे पाए गए हैं। इनकी लंबी श्रृंखलाएं मिलती हैं और कभी कभी तो इनकी लंबाई 300 किलोमीटर तक भी देखी गई है। राजस्थान के थार के मरुस्थल की बात यदि हम करते हैं तो राजस्थान के थार के मरुस्थल के मरुस्थल में इस तरह के स्तूप मिलते हैं, अनेक स्तूप मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो स्तूप हुआ वह है अनुप्रस्थ स्तूप, जिसको ट्रांसवर्स ड्यून के नाम से जानते हैं। इनका निर्माण प्रचलित पवन की दिशा से समकोण पर होता है। पहला तो सामान्य जो अध्ययन था उसमें ये देखा था कि लॉन्जिट्यूडनल जो ड्यून्स बनते हैं वो पवन की दिशा के समानांतर होते हैं, लेकिन अनुप्रस्थ स्तूप होते हैं, इनका निर्माण प्रचलित पवन की दिशा से समकोण पर बनता है। प्रायः ये मरुस्थलों की सीमा पर और सागरीय तटों के ऊपर बनते हैं। इनके निर्माण में मंद पवन का योग विशेष रहता है, तीव्र की बजाय मंद पवन का योग रहता है। इनका पवनोन्मुख जो ढाल है वो मंद होता है और विमुख ढाल होता है वो तीव्र होता है। तो ये इसकी विशेषता है। और अब है बरखान। ये वास्तव में अनुप्रस्थ स्तूपों के ही विशिष्ट रूप होते हैं। अर्धचंद्राकार रूप में या चापाकार रूप में या टीले के रूप में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये पवन के अनुप्रस्थ दिशा में समकोण पर बनते हैं। यद्यपि इनमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के गुण भी मिलते हैं। इनका जो पवनोन्मुख ढाल है वो उत्तल होता है जबकि विमुख ढाल होता है वो अवतल ढाल होता है। इनके शिखर नुकीले होते हैं, सींग जैसी आकृति वाले होते हैं, एकदम नुकीले। यदि रेत की पूर्ति पर्याप्त होती रहे तो ये समूह अथवा श्रृंखला के रूप में भी पाए जाते हैं। तो ये हैं बरखान। और इसके बाद एक स्थलाकृति आती है अगली स्थलाकृति है बालू का प्रवाह। ये बालू का स्तूपों का एक विशिष्ट रूप है। ये लंबाकार और तीव्र शिखर वाली बालू की निर्मित श्रेणियां होती हैं। इनको बालू का प्रवाह के नाम से जानते हैं। ये किसी स्थलाकृतिक बाधा के सहारे
जो पवन की दिशा में आगे बढ़ती है, पवन उसमें उसके साथ साथ बनते हैं। नेक्स्ट स्थलाकृति चौथी है बालू का कगार, जिसको सैंड लीव्स के नाम से, लेवीज के नाम से जानते हैं। ये लंबाकार बालू का श्रेणियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत चपटे शिखर वाली पहाड़ियों के रूप में होते हैं, जो कि पवन की दिशा के समानांतर विस्तृत होती हैं। ये प्रायः 150 फीट ऊंची और 2 मील चौड़ी तक मिलती हैं बालू का कगार, और कहीं कहीं पर यह 100 मील लंबी तक भी देखी गई है। बालू का आवरण एक अन्य स्थलाकृति है। ये बालू के विस्तृत क्षेत्र हैं जो प्रायः समतल, स्तूप रहित और आकार विहीन होते हैं। इनमें स्तूप नहीं होते, ऐसे मैदानी से समतल क्षेत्र होते हैं जहाँ मिट्टी का जमाव होता है, बालू का जमाव होता है। इनके ऊपर केवल सूक्ष्म उर्मिकाएँ ही दृष्टिगोचर होती हैं। 3000 वर्ग मील क्षेत्र में लीबिया क्षेत्र में सेल्मा सीट इस आकृति का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। और एक और महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जो पवन के निक्षेपात्मक कार्य से बनती है, जिसको लोयस के नाम से जानते हैं। यह पवन द्वारा उड़ाए गए धूल कणों, मिट्टी के कणों के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप है। इनका नामकरण फ्रांस में गांव है लोयस, जो कि अल्सास प्रांत में है, उस लोयस गांव के में जो आकृति निर्मित हुई उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया। इनका अध्ययन सबसे पहले जर्मन विद्वान रिस्तोफेन ने किया था उत्तरी चीन इलाके में, और उसके आधार पर इनको लोयस के नाम से इन्होंने, मतलब लोयस का जो अध्ययन है वो विशेष रूप से होने लगा रिस्तोफेन के बाद। ये अनेक मरुस्थलों में इनकी स्थलाकृतियाँ मिलती हैं, गोभी के मरुस्थलों में भी ये पाए जाते हैं। इनका रंग प्राय पीला होता है, क्योंकि इसमें क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, अभ्रक, कैल्साइट आदि खनिज मिलते हैं। और चीन में एक विस्तृत क्षेत्र है जो लोयस के नाम से जाना जाता है, और उस क्षेत्र में से जो नदियां भी बहती हैं उनका रंग भी उस मिट्टी के रंग के जैसा हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक रचना है लोयस भी। ये थे निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियाँ हैं पवन द्वारा निर्मित, वो इनको मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं। पवन की स्थलाकृतिक जो विशेषताएं यहाँ हैं उनको तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन जो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं उनके नाम को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। उर्मिकाएँ हैं, बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप के बाद बालू का प्रवाह, बालू का कगार, बालू का आवरण और लोयस। बहुत सारी पुस्तकों में आप देखेंगे तो उसमें बालू का आवरण, बालू का कगार और बालू का प्रवाह का जिक्र नहीं मिलेगा। उर्मिकाएँ, बरखान और लोयस का ही जो पवन की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं उसमें मुख्यतः जिक्र होता है। लेकिन मैंने आपको एक अधिक जानकारी देने के हिसाब से ये सारी जानकारियाँ आपको प्रदान की हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आपके लिए निश्चित रूप से ये भूगोल के ज्ञान वृद्धि के लिए आवश्यक है और आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण।